हेलो फ्रेंड्स, आर्डिनो कंट्रोलर पर बेस्ड वेरियस एप्लीकेशंस की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम 10 यूट्यूब वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें से ये हमारा पहला वीडियो है। आर्डिनो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी इस सीरीज़ की नई वीडियो अपलोड होगी, आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत से सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल हैं, जो कि उनके सिलेबस पर आधारित हैं, और वो वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट से एक्सेस भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आर्डिनो का पूरा आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के बहुत से मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे ये है आपका फर्स्ट यूनो, कुछ लोग इसको आर्डिनो यूनो भी बोलते हैं, बट हम यहाँ इस वीडियो में इसको आर्डिनो यूनो ही बोलेंगे। ये जैसे नैनो है, एक मिनी भी आता है, ये यहाँ पर आर्डिनो मेगा माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें जो मेन आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है वो होता है ATmega 328, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक और ये आपका दूसरा आईसी, ये भी ATmega 328 ही है, जो कि आपके इस आर्डिनो में यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम आर्डिनो यूनो को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पिन डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो टाइप के जैक हैं। ये दोनों जैक आर्डिनो को पावर देने के लिए यूज आते हैं। ये वाला जो जैक है, ये आपका यूएसबी पोर्ट है। इसमें आपकी जो यूएसबी केबल है वो कनेक्ट हो जाती है। ये जो दूसरा पोर्ट आपको दिख रहा है बैरल जैक, इसमें आपको अगर एक्सटर्नल सप्लाई आर्डिनो को प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगा सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये रीसेट बटन है। अगर आपको आर्डिनो को दोबारा से फैक्ट्री सेटिंग पर करना है या उसमें अपलोडेड कोड को इरेज करना है, तो आप रीसेट का बटन यूज करके ये सारा काम कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आर्डिनो बोर्ड में यहाँ पर आपका ये ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया गया है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये LED, इस LED के साथ लिखा हुआ है ऑन। जब भी आप आर्डिनो को ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे, तो ये LED ग्लो हो जाएगी। इस LED का ग्लो होने का मतलब है कि आपके आर्डिनो को पावर मिल चुकी है, इसको आपने पावर अप कर दिया है। यहाँ पर ये क्रिस्टल है, चलो इतना डीप में हम नहीं जाते हैं, हम सीधा इसका पिन डायग्राम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स में कौन सी पिन पर हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं और कौन सी पिन किस यूज़ के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है पावर पिन। यहाँ पर जो पहली पिन है वो है आपकी रीसेट, दूसरी 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। इस आर्डिनो बोर्ड में दो लेवल की वोल्टेज अवेलेबल है, फर्स्ट इज 3.3 वोल्ट एंड सेकेंड इज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के नीचे की जो पिन है वो दो पिन ग्राउंड के लिए हैं, और इससे नेक्स्ट पिन जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये वोल्टेज इन के लिए है। अब अगर नेक्स्ट पिन सेट की बात करें, तो ये जो पिन नंबर A0 से A5 है, ये एनालॉग इनपुट के लिए पिन है। ये बेसिकली तब यूज की जाती है जब आपको कोई सेंसर वगैरह इससे कनेक्ट करना है, क्योंकि सेंसर का जो आउटपुट होता है वो एनालॉग आउटपुट होता है। इसलिए जब भी आपको कोई सेंसर या ट्रांसड्यूसर कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ एनालॉग इनपुट पिन पर ही कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपकी आती है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। ये देखिए, पिन नंबर 0 से लेके 13 तक, लेकिन हमने इसमें पिन नंबर 2 से 13 तक कोई डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए यूज करने के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि आपकी जो पिन नंबर 0 और 1 है, वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर पिन के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम बेसिकली जब भी अपने को डिजिटल इनपुट आउटपुट कभी यूज करना है, तो हम पिन नंबर 2 से लेकर और 13 तक ही यूज करते हैं। इसके बाद आपका है ग्राउंड का पिन है। अपने आने वाले वीडियोस में जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, तो इन्हीं पिन्स पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम कनेक्ट करेंगे।
अब बात आती है कि हम आर्डिनो से अपने पीसी या लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करें। तो इसके लिए ये जो केबल आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की केबल हम यूज करते हैं। यह केबल हमारे आर्डिनो के साथ ही हमें मिलती है। एक तरफ तो इसमें यूएसबी पोर्ट है, जो हमारे पीसी या लैपटॉप या जो भी आपके पास है उससे आपका कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो ये पोर्ट है, बेसिकली हमारे प्रिंटर्स में ये वाला पोर्ट यूज होता है, यूएसबी पोर्ट, तो ये वाला हम इस जैक में यूज कर लेंगे। जैसे ही आप अपना आर्डिनो लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, आपका आर्डिनो टेम्परेरीली पावर अप भी हो जाता है कि आप उसमें कोडिंग वगैरह कर सकें। यहाँ पर आपको ये कुछ वायर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं जम्पर वायर्स। जब भी आपको रिले बोर्ड या कोई ऐसा डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है आपको अपने आर्डिनो बोर्ड से, तो आप इन जम्पर्स वायर्स का यूज करते हैं। यहाँ देखिए, ये फीमेल टू फीमेल जम्पर वायर, इसमें एक एंड पर मेल और दूसरे एंड पर फीमेल जम्पर वायर, और यहाँ पर एक एंड पर मेल और दूसरे एंड पर भी मेल, ये मेल टू मेल जम्पर वायर। तो ये तीन तरीके से आपको जम्पर वायर्स मार्केट में मिल जाएंगे। सो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आने वाले वीडियोज में हम अपने प्रैक्टिकल करेंगे या नए नए प्रोजेक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो यूनो, इसका ये पोर्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और ये आपका इसमें माइक्रो कंट्रोलर है। ये जो पिन अभी हमने डिस्कस की थी, वो सारी पिन्स इस पे अवेलेबल हैं। जो केबल हम यूज करते हैं उसके दोनों एंड पर इस तरह के आपको पोर्ट दिखाई देंगे। ये वाला जो पोर्ट है आपका यूएसबी पोर्ट, ये आपका पीसी के साथ लग जाएगा, और ये वाला जो पोर्ट है ये आपका इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हम कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, कनेक्ट करके दिखाते हैं। अभी ये वाला पोर्ट हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये वाला पोर्ट हम अभी अपने पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जैसे ही हमने पीसी के साथ कनेक्ट किया, ये देखिए, ये पावर ऑन आपका हो चुका है। ये एलईडी आपकी पावर ऑन हो चुकी है, इसका मतलब आपका आर्डिनो अभी कनेक्ट हो गया। सो ये तो बात हो गई आपके हार्डवेयर की। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, कि आर्डिनो में कोडिंग करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्डिनो के सॉफ्टवेयर की। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे सर्च में ARDUINO IDE SOFTWARE, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। इसमें जो आपका सबसे पहला है आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन आपके पास खुलकर आएगी वो इस तरह से आएगी। ये सब आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो यहाँ देखिए, ये आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए लिंक्स दिए हुए हैं, क्योंकि हमारा विंडोज़ है इसलिए हम विंडोज़ इंस्टॉलर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ विंडोज़ इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ 7 एंड अप पर क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी कि कंट्रीब्यूट टू द आर्डिनो सॉफ्टवेयर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है जस्ट डाउनलोड। जैसे ही आप जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर exe फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लगभग 112 MB की फाइल है, सो इसको कुछ वक्त लगेगा, मे बी 5-7 सेकेंड और लगेंगे अभी इसको डाउनलोड होने में। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी डाउनलोड हो गई है ये फाइल। जब आप इस exe फाइल को ओपन करेंगे, चलिए इसको करके देखते हैं ओपन, तो देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर सेटअप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है, यहाँ आपको कर देना है आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। थोड़ी टाइम बाद ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आर्डिनो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी फिनिश होने वाला है। जैसे ही आर्डिनो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिनिश होगा, आपके लैपटॉप या पीसी पर आप आर्डिनो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप क्लोज कर देंगे और इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा, जिसके नीचे लिखा होगा आर्डिनो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक स्क्रीन ओपन होगी, और कुछ वक्त बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह से विंडो एक ये दिखाई देगी। आप इसको मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ फाइल पर जाकर न्यू ओपन करेंगे, और यहाँ पर अपना
कोड लिख देंगे। ये जो आ रहा है स्केच, इसको डिलीट करके यहाँ पर जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पर अपना कॉपी पेस्ट करेंगे या लिखेंगे, जो भी आपको करना है वो करेंगे। इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर अब यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दो तीन चीज़ जो इस सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंट है वो ये हैं कि जब आप टूल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा बोर्ड आर्डिनो यूनो, यहाँ आर्डिनो यूनो पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सपोज आपको आर्डिनो नैनो पर काम करना है तो आपको आर्डिनो नैनो सेलेक्ट करना होगा इस तरह। अब आप देखेंगे तो बोर्ड पर आर्डिनो नैनो सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन आपको यूनो पर ही करना है तो आप आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह। बोर्ड हमारा आर्डिनो यूनो सेलेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ है वो है आपका पोर्ट। अभी यहाँ पर पोर्ट शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी अपना आर्डिनो इस पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है। जब भी आप इस पीसी या लैपटॉप पर कनेक्ट कर देंगे ये पोर्ट आपको यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएगा। चलो एक बार हम कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे ही हमने अपना ये आर्डिनो कनेक्ट किया, देखिए अब आपके पास ये पोर्ट कॉम 5 एक्सेसिबल है। एक बात खास तौर पर इस पोर्ट को लेकर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कॉम 5 जहाँ पर आपने आर्डिनो यूनो आपका कनेक्ट किया है उसके आगे देखिए ये टिक का मार्क है। कई बार जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये टिक का मार्क आता नहीं है और आप अपना सॉफ्टवेयर आर्डिनो में अपलोड नहीं कर सकते। इसलिए कभी ऐसी प्रॉब्लम आपको आए तो यहाँ पर आपको आके चेक करना है कि पोर्ट पे ये टिक किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। तीसरी जो चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप फाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिखेगा। इस आर्डिनो कंट्रोलर की एक बहुत लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है जो कि इनबिल्ट है। यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल्स के कोड आपको ऑलरेडी मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बेसिक्स। बेसिक्स में आप ब्लिंकिंग के लिए अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको LED ऑन या ऑफ करने का आपको प्रोग्राम ऑलरेडी मिलेगा। आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्लिंकिंग के लिए कोड लिखना है तो Ctrl+C करेंगे यहाँ से और यहाँ आप पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आप डायरेक्ट उस एग्जाम्पल में जाके और इस आर्डिनो की लाइब्रेरी से कॉपी करके अपना कोड यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आने वाले वीडियोज़ में जिस प्रोजेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे उन उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंट होगी वो हम उन वीडियोज़ में आपसे शेयर करते जाएंगे।